हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड सीख लिया था, नाउ अब हम सीखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय पायरोलाइसिस ऑफ एसिड सॉल्ट। तो देखते बच्चों इसमें थर्ड प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय बाय पायरोलाइसिस ऑफ एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट से हम पायरोलाइसिस करना सीखते हैं बच्चों। काफी इजी रिएक्शन है, एक बार समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आई होप। देखते बच्चों एक एक करके कि किस तरीके से हम इसमें प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें हम समझते हैं यहां पर रिएक्शन क्या होती है बच्चों। रिएक्शन आपकी क्या होगी, देखो यहां पर HCOH, यहां पर मैं कोई भी एसिड लेता बच्चों, इसकी रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करूंगा, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बच्चों ये आपका कौन से रिएक्शन को प्रोग्रेस कराएगा, एसिड बेस रिएक्शन को। कौन से रिएक्शन को, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ होगी। अब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये एसिड है ये बेस है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बच्चों, आर सी ओ, यहाँ पर होल्ड ट्वाइस, यहाँ पर आपका सी ए बन जाएगा। इस तरीके से आपका कैल्शियम सॉल्ट बनेगा इसका, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। नाउ अब ध्यान से समझना, पायरोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों। पायरोलाइसिस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग। पायरोलाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे अगर मैं रिएक्शन को कराता हूँ तो क्या होगा, अब यहाँ पर मैंने हीट दिया, डेल्टा दिया, टेम्परेचर दिया, जैसे ही मैं यहाँ पर डेल्टा दूंगा बच्चों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर सी, यहाँ पर आर सी ओ आर, और साथ में आपका क्या बाहर निकल जाएगा, सी ए सी ओ। अब मुद्दे की बात यह है कि बच्चों यहाँ पर जो आपका मैकेनिज्म है वो किस तरीके से चलेगा। अगर मैं इस सॉल्ट को ब्रेक डाउन करना चाहूंगा तो किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा बच्चों, आर सी ओ ओ माइनस और यहाँ पर सी ए प्लस टू, इस तरीके से आपका ब्रेक डाउन होगा बच्चों। ध्यान से समझना, ये आपका इस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, दो है ना, दो मोल हो जाएगा। अब देखो एक तरफ से आपका क्या बाहर निकाल लेगा बच्चों, ये सी ओ ओ माइनस, और दूसरे तरफ से आपका क्या बाहर निकालेगा, ओ माइनस। तो जैसे ही ये यहां से इसको बाहर निकालेगा, सॉरी यहां पर इसको नहीं, यहां पर ये आपका इसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है, इसको बाहर निकाल लेगा। तो देखो ये वाला आर डायरेक्टली आपका इससे जाके जुड़ गया, तो यहाँ पर कैसा कंपाउंड बन गया, कीटोन, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पर आपका कार्बोनिल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी रिएक्शन है, ठीक है, काफी इजी रिएक्शन है बच्चों। तो इसमें इस तरीके से आपका यहाँ पर मैकेनिज्म चलने वाला है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। देखो एज एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर एक दो एग्जांपल की मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते बच्चों ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, अगर मैं इसकी रिएक्शन सी ए ओ एच के होल ट्वाइस के साथ कराऊंगा तो सबसे पहले आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, इस तरीके से आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ पर ट्वाइस, यहाँ पर कैल्शियम। अब इसको मैं हीट करूंगा तो हीट करने पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, फिर से उसी तरीके से तोड़ लो, तरीका वही अपनाओ जो मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है। ये इस तरीके से तोड़ लो और इस तरीके से तोड़ने के बाद आपको जो प्रोडक्ट बने वो आप बता दो, ठीक है। इस तरीके से तोड़ लो, एक तरफ से सी ओ O माइनस, एक तरफ से O माइनस निकाल लो। अब देखो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, PHCO PH और यहां पर CaCO3, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, काफी इजी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, अब हम यहां पर HCO OH, अगर इसकी रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराऊं तो यहां पर क्या होगा बताओ बच्चों, यहां पर आपका होगा सी ओ ओ, यहां पर ट्वाइस, यहां पर सी ए, ठीक है।
नाउ इसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, HCOOH और यहाँ पर CaCO3, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन बन रहा है। देखो हर यहाँ पर भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड, यहाँ पर भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड बन रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हम धीरे धीरे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर CH3COOH। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन मैंने करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा Ca+2 Ca, ठीक है Ca बन जाएगा। नाउ अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग कराऊंगा तो देखो पुराना मेथड ही अप्लाई करो बच्चों। O माइनस, यहाँ पर Ca+2 मैंने लिख दिया, यहाँ पर O माइनस CO CH3। अब यहाँ से कार्बोनेट निकलेगा, यहाँ से इस तरीके से बाहर निकलेगा, वही तरीका अपनाओ आप लोग बच्चों। यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3CO CH3 और साथ में आपका कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है बच्चों, काफी इजी रिएक्शन है। अगर आप एक दो बार ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां तक हमने क्या किया था, यहां तक अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए या फिर जितने भी मैंने रिएक्शन बताए उसमें केवल एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। उसमें केवल कितने टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है बच्चों, एक ही टाइप का, ओनली सिंगल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी विल यूज्ड इन दीज एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर हमने एक ही टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम समझते बच्चों, व्हेन व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ, टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर यूज्ड, मतलब दो डिफरेंट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं यूज करूंगा, एसिड आर यूज्ड, देखो दो डिफरेंट टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं यूज करूंगा तो क्या होगा रिएक्शन में, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर अगर मैं दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड, एज एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो बच्चों एक बार मैंने ये ले लिया, एक बार मैंने ये ले लिया और एक बार मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पर PHCOOH। अब इसकी रिएक्शन में अगर सोडा लाइम के साथ कराऊं, सोडा लाइम नहीं सॉरी लाइम वाटर के साथ कराऊं तो यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहां पर तीन टाइप के आपके सॉल्ट बनेंगे। कितने टाइप के, थ्री टाइप के सॉल्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्या होगा, थ्री टाइप ऑफ सॉल्ट, थ्री सॉल्ट कैन बी फॉर्म्ड, मतलब यहां पर तीन आपके सॉल्ट बन सकते हैं। कौन कौन से बच्चों, एक तो आपका ये वाला बन जाएगा, एक तो आपका ये वाला सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, एक आपका ये वाला सॉल्ट बन जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, एक आपका ये वाला सॉल्ट बन जाएगा और एक आपका कौन सा सॉल्ट बनेगा बच्चों, एक आपका इस टाइप का सॉल्ट बन जाएगा, एक पीएच वाला हो जाएगा, एसिड वाला PHCOO। ठीक है, PHCOO- और यहां पर एक हो जाएगा बच्चों HCOO-। नाउ ये आपका आयोनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, तो इस टाइप के आपके सॉल्ट बन जाएंगे। यहाँ पर तीन टाइप के आपके सॉल्ट बनेंगे, देखो तीन टाइप के आपके सॉल्ट बनेंगे। तो तीन टाइप के सॉल्ट में से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वही इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों। यहाँ पर पॉइंट वाली बात वही है बच्चों। तो देखते हैं, अगर मैं इसको मैं पहला सॉल्ट नाम दूं, इसको मैंने दूसरा सॉल्ट नाम दिया, इसको मैंने तीसरा सॉल्ट नाम दिया, देखो क्या करेंगे। अगर मैंने पहले सॉल्ट की बात की तो पहला सॉल्ट मेरा ये बना होगा कैल्शियम। ठीक है, दूसरा सॉल्ट मेरा ये बना है। ठीक है, दूसरा सॉल्ट मेरा क्या बना है बच्चों, ये बना है। और तीसरा सॉल्ट मेरा क्या बना है बच्चों, PHCOO, यहाँ पर HCOO- यहाँ पर मेरा तीन टाइप का सॉल्ट बना है। अब देखो पहले टाइप के सॉल्ट को मैं अगर पायरोलाइसिस कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पर पहले टाइप के सॉल्ट को अगर मैं पायरोलाइसिस कराऊंगा तो उस तरीके से ही आपको करना है बच्चों रिएक्शन। देखो
देखो यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर Ca+2, यहाँ पर HCO O माइनस। अब देखो यहाँ पर ये आपका बाहर निकल जाएगा, अब बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ अगर मैं इसको अब मैं हीट करूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको अब मैं हीट करूंगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इसी तरीके से आप लोगों को करना है बच्चों। देखो यहाँ पर आपका इस तरीके से कीटोन कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड एल्डिहाइड कंपाउंड बन गया, ठीक है, ये आपका कीटोन कंपाउंड बना, कीटोन कंपाउंड बन गया, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं अभी इसके बारे में तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आपका यहां से बाहर निकल जाएगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला पॉइंट बाहर निकल जाएगा, दोनों में से कोई भी पॉइंट अगर आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड करके देखो बच्चों, आप लोग अगर करके देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। तो यहां पर तीन टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आपके एल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेकिन यहां पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट यहां पर ये वाला आपका क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट यहां पर ये वाला आपका क्या होगा बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। क्यों होगा मेजर प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ध्यान से समझना बच्चों, हमेशा आपका ऑलवेज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, आपका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान से, अगर ध्यान से समझोगे तो यहां पर दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका निकलेगा, मतलब दो डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका मेजर होगा, ये आपका माइनर माइनर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम और भी रिएक्शन देख सकते हैं बच्चों, जैसे देखते हैं कि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी होता है बच्चों, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर पायरोलाइसिस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर पायरोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर पायरोलाइसिस रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान से समझ गए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, मॉलिक्यूल के अंदर ही देखो, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, देख ये मैंने बना दिया बच्चों। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन CaOH के होल ट्वाइस के साथ कराऊंगा, किसके साथ, CaOH के होल ट्वाइस के साथ, मतलब लाइम वाटर के साथ, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन आपका किस तरीके से होगा, ध्यान से काउंट करना है बच्चों आपको कार्बन, ठीक है, यहां पर मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की रिंग बना, 5 कार्बन का आपको चेन बनाना है, देखो 5 कार्बन का मैं आपको चेन बनाऊंगा और वहां पर आपको कैल्शियम के साथ इसका एसिड बेस रिएक्शन कराऊंगा, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। तो देखो यहां पर ये मैंने बना दिया, यहां पर मैंने CO- और यहां पर मैंने कैल्शियम सॉल्ट लगा दिया, यहां पर CO-, यहां पर कैल्शियम सॉल्ट लगा दिया, ठीक है, ये मैंने कैल्शियम सॉल्ट बना लिया इसका। अब नाउ अब क्या होगा बच्चों कि ये कैल्शियम दोनों में से कहीं पर, कहीं से भी आपका क्या निकाल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों में से कहीं पर, यहां से CO- और यहां से O- जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो डायरेक्टली आपका किस पर अटैक कर जाएगा, इस पॉइंट पर, ठीक है, या फिर अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ अटैक करेगा, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीटिंग करने के बाद यहाँ पर आपका इस तरीके से साइक्लोब्यूटेनॉन कंपाउंड बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा बच्चों, साइक्लोब्यूटेनॉन कंपाउंड यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं और रिएक्शन, और भी रिएक्शन हम इसमें चेक कर सकते हैं बच्चों, देखो कौन कौन सी रिएक्शन है, अब हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर और भी रिएक्शन है बच्चों, जैसे मैंने बात किया यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1, अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या होगा, अगर मैंने ऐसा कुछ कंपाउंड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर CoOH, यहाँ पर C2H5,
यहाँ पर C-OOH, ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर लाइम वाटर ले लिया, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर ले लिया। अब लाइम वाटर लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें काउंट करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूंगा। जब भी आपको रिंग का फॉर्मेशन करना होता है तो आपके क्या करोगे हमेशा बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे। तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला चेन में नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने इसको काउंट नहीं किया। देखो अब 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड O माइनस Ca+2, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पोजीशन पे आपका C2H5 है, ये इस तरीके से। नाउ अगर मैं इसका पायरोलाइसिस कराऊंगा तो आप चाहो तो किसी भी पॉइंट से करा सकते हो, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने इस पॉइंट से पायरोलाइसिस कराया तो क्या होगा, और उस पॉइंट से पायरोलाइसिस कराया तो मैंने क्या होगा, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैंने इस पॉइंट से, देखो ये वाला मैंने पायरोलाइसिस करा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला कार्बन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो चार कार्बन की रिंग बनेगी, और यहाँ पर आपका C2H5 और यहाँ पर C-OOH। आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर पायरोलाइसिस कर रहे हैं। और भी रिएक्शन देख सकते हैं बच्चों, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ बच्चों इसका, तो ध्यान से समझेंगे। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, देखो ध्यान से, एक दो, यहां पर मैंने CH3 ले लिया, ये मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। नाउ अगर मैं इसका अब CaOH होल टू आइस के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने। तो नंबर ऑफ कार्बन किस तरीके से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन के आपको रिंग बनाना है। ये मैंने यहाँ पर आपका 6 कार्बन का रिंग बना दिया, यहाँ पर C-OO-, यहाँ पर C-OO-, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा, Ca+2, यहाँ पर CH3, इस तरीके से आपका बन जाएगा। नाउ अब आपको पायरोलाइसिस कराना है। अब यहाँ पर पायरोलाइसिस आपको पायरोलाइसिस दो तरीके से करा सकते हो, ठीक है। पायरोलाइसिस यहाँ पर आप कितने तरीके से करा सकते हो बच्चों, दो तरीके से। तो दो तरीके से पायरोलाइसिस आप किस तरीके से कराओगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी है। तो अगर मैं पायरोलाइसिस यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ से ओ माइनस निकालूंगा तो क्या होगा, देखते बच्चों। यहाँ पर मैं दोनों पॉसिबिलिटी लिखता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। काफी अच्छा रिएक्शन है, ठीक है। O माइनस ये आपका, ठीक है, यहाँ पर CH3 होगा बच्चों। नाउ अब मैं पायरोलाइसिस कराऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहाँ पर मैं इसको रेड मार्कर से बताता हूँ बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला, यहाँ से मैंने इसको बाहर निकाला। अब ये वाला आपका कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला आपका कहाँ अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। लेकिन ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये वाला आपका यहाँ अटैक करेगा तो आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन की रिंग बना दिया, ठीक है। अब देखो आपका क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट ने आपका यहाँ से जुड़ चुका है, फर्स्ट पॉइंट आपका इससे जुड़ चुका है डायरेक्टली। तो फर्स्ट पॉइंट जब आपका इससे जुड़ा है तो यहाँ पर फर्स्ट पर क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट पर, या मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से बना दिया। अब ये आपका इस कार्बन से जुड़ चुका है, तो इस कार्बन से जुड़ने वाला आपका क्या होगा बच्चों, ये आपका यहाँ पर आपका CH3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका O-, ठीक है, ये डायरेक्टली आपका इससे जुड़ा है ना बच्चों। यहाँ पर ये आपका ये वाला पॉइंट उठ के यहाँ आ गया सीधा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपका बॉन्ड बन चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से फर्स्ट पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, सॉरी, फर्स्ट पर आपका क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ अगर मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करूँ, कौन से पॉसिबिलिटी की बच्चों, सेकेंड पॉसिबिलिटी की,
अगर मैं यहाँ पर अगर आपका सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या होगा बच्चों, जहां से ये आपका बाहर निकलेगा यहां से ये आपका बाहर निकलेगा और ये वाला आपका यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ओ माइनस सी ए प्लस टू, यहाँ पर ओ माइनस सी ए प्लस टू, यहाँ पर आपका सी एच थ्री। नाउ अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूंगा तो यहां से ये बाहर निकलेगा यहां से ये बाहर निकलेगा और ये वाला आपका इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही आपका इसके साथ जाके जुड़ेगा पायरोलाइसिस करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्या बनेगा, 5 कार्बन की रिंग बनेगी, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 5 पर आपका 5 वाला आपका 1 के साथ जुड़ चुका है तो 1 पर आपका क्या बच्चों, और 2 पर आपका क्या बनेगा CH3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दोनों साइड से आपका सिमिलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पायरोलाइसिस रिएक्शन को सोल्व करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ध्यान से समझना। नेक्स्ट फोर्थ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन हम कैसे कराएंगे बच्चों, अल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेशन हम हमेशा DMSO के प्रेजेंस में कराएंगे। किसके प्रेजेंस में बच्चों, DMSO एक टाइप का बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर मैंने यहाँ पर 1 डिग्री, जैसे RCH2X, मतलब 1 डिग्री अगर मैंने लिया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का अगर मैंने DMSO के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो 1 डिग्री को हमेशा किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। 1 डिग्री हमेशा किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, एल्डिहाइड में। अगर मैंने यहां पर RCHX, ये मैंने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, क्या लिया बच्चों, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया। अब देखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मैंने DMSO के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया बेटा, यहाँ पर यूरोट्रोपिन भी लिखा हुआ आ सकता है, यूरोट्रोपिन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है बच्चों, यूरोट्रोपिन ये भी लिखा हुआ आ जाएगा तो भी आपको क्या कराना है बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, R, यहाँ पर आपका कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। लेकिन 3 डिग्री आपका कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब देखो 3 डिग्री आपका ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा, 3 डिग्री आपका ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो बच्चों यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंस है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या प्रेजेंस है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो मतलब अगर मैं DMSO के प्रेजेंस में कराऊंगा तो यहाँ पर आपका नो रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उससे आपको काफी हद तक समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने एग्जांपल लिया, देखो ये मैंने इस तरीके से लिया, यहाँ पर मैंने एक्स कर दिया, यहाँ पर मैंने एक्स कर दिया। अब इसकी रिएक्शन में अगर DMSO के साथ कराऊंगा तो क्या करेगा बच्चों, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो किस तरीके से, यहाँ पर 2 डिग्री है, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 डिग्री होने की वजह से ये आपका किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपका कीटोन कंपाउंड में, और ये आपका 1 डिग्री होने की वजह से ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से। तो और भी इसमें वो प्रिपरेशन मेथड है बच्चों, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।